नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस वन की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और इसके अंदर अपने जो तीसरा चैप्टर है वो शुरू कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर तीसरा चैप्टर जो अपना है, चैप्टर का नाम है गतिकी। और ये जो अपने चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है और ये लास्ट जो वीडियो है उसके लास्ट के अंदर से लगभग 20 मिनट के बाद अगर आप उसे देखोगे तो वहाँ से अपने ये चैप्टर शुरू किया है। इसके अंदर अपने कुछ एक बेसिक बातें पढ़ चुके हैं, जैसे अपने यांत्रिकी के बारे में पढ़ चुके हैं, यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो वस्तु या पिंड की गति से संबंधित होती है, क्या कहलाती है, यांत्रिकी कहलाती है। और उसके बाद मैंने तीन पार्ट बताए थे आपको इसके, एक तो बताया था स्थिति विज्ञान, एक बताया था शुद्ध गति की और एक मैंने आपको बताया था गति विज्ञान। ठीक है, तो ये तीन बताए थे मैंने। स्थिति विज्ञान जो है इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंदर स्थिर पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है, या आप बोल सकते हो उन पिंडों, किसी पिंड की साम्य अवस्था का अध्ययन किया जाता है, यानी पिंड जो है उस पर बहुत सारे बल लग रहे हैं और वस्तु कौन सी अवस्था में है, साम्य अवस्था में है, तो इसका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, स्थिति विज्ञान के अंदर किया जाता है। एक आता है शुद्ध गति की, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर गतिशील पिंडों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, शुद्ध गति की कहलाती है। परंतु अगर इन दोनों का कंपेरिजन किया जाए, ये गति विज्ञान है इसके बारे में आप बता सकते हो कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति से संबंधित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है या गतिशील वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, गति विज्ञान कहलाती है। अगर दोनों की परिभाषा देखोगे तो एक चीज़ कॉमन है कि दोनों के अंदर अपने क्या करते हैं, जो गतिशील वस्तुएँ हैं या गतिशील पिंड है अपने उनका अध्ययन करते हैं। पर दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क इस बात का है कि जो शुद्ध गति के इसके अंतर्गत अपने क्या करते हैं, इसके अंदर अपने सिर्फ गति का अध्ययन करते हैं, उन कारणों का अध्ययन नहीं करते। यानी इसके अंदर क्या होता है, उन कारणों का अध्ययन नहीं किया जाता जिसके कारण वो गति हो रही है। परंतु जो गति विज्ञान है इसके अंदर अपने उन कारणों का भी अध्ययन करते हैं जिन कारणों के कारण वो गति हो रही है। तो ये दोनों के अंदर क्या होता है, फर्क होता है। इसके बाद अपने लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक शुरू कर दिया था निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र। ठीक है, अब देखो निर्देश तंत्र की बात करते हैं। निर्देश तंत्र का क्या मतलब होता है, निर्देश तंत्र का मतलब होता है वह निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाए, क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। यानी वह निकाय जिसके सापेक्ष किसी वस्तु या पिंड की स्थिति को व्यक्त किया जा सके या व्यक्त करते हैं, व्यक्त किया जा सके या व्यक्त करते हैं, दोनों लिख सकते हो आप। वह निकाय जिसके सापेक्ष किसी वस्तु या पिंड की स्थिति को क्या कर सके, व्यक्त कर सके, क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। यानी अपने निकाय जो है जिसके सापेक्ष अपने वस्तु या पिंड गति कर रही है, किसके सापेक्ष गति कर रही है, किसी निकाय के सापेक्ष गति कर रही है, और वह निकाय क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। या आप बोल सकते हो कि आपके पास में कोई वस्तु या पिंड है, आप क्या कर रहे हो, उसकी स्थिति को व्यक्त कर रहे हो। यानी किसी वस्तु या पिंड की स्थिति को आप लोग क्या कर रहे हो, व्यक्त कर रहे हो, और जिसके सापेक्ष आप लोग क्या कर रहे हो, उसे व्यक्त कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है, निकाय कहलाता है। तो वह निकाय जिसके सापेक्ष वस्तु या पिंड की स्थिति को व्यक्त किया जाए, क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। या आप लोग बोल सकते हो वह निकाय जिसके सापेक्ष वस्तु या पिंड की गति का अध्ययन किया जा सके, क्या कहलाता है, निकाय, ये निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, निर्देश तंत्र की बात की जाए तो अपने सुविधाजनक जो निर्देश तंत्र होता है वो कौन सा होता है, कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। ठीक है, वैसे तो अपने बहुत सारे निर्देश तंत्र काम में लेते हैं, परंतु अपने सबसे ज़्यादा जो सुविधाजनक निर्देश तंत्र और जो सबसे आसान निर्देश तंत्र होता है वो कौन सा निर्देश तंत्र होता है, वो होता है कार्तीय निर्देश तंत्र। तो अपने सबसे ज़्यादा जिस निर्देश तंत्र को काम में लेते हैं वो कौन सा निर्देश तंत्र है, वो कार्तीय निर्देश तंत्र है। कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर देखिए आप लोग क्या होता है, वैसे तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है वामावर्ती, एक होता है दक्षिणावर्ती, एक तो होता है वामावर्ती और एक होता है दक्षिणावर्ती
निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र अपने कितने प्रकार के हो जाते हैं? कार्तीय निर्देश तंत्र जो है वो दो प्रकार के हो जाते हैं, एक तो होता है वामावर्ती और एक कौन सा होता है, एक होता है दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र। दोनों के पहले बात कर लेते हैं, वामावर्ती और दक्षिणावर्ती। देखिए ये जो निर्देश तंत्र है ये कौन सा होता है, ये होता है वामावर्ती निर्देश तंत्र। वामावर्ती निर्देश तंत्र, ठीक है। और ये जो है दूसरे वाला, ये होता है दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र। तो दो तरीके के निर्देश तंत्र होते हैं, एक तो होता है वामावर्ती और एक होता है दक्षिणावर्ती। ये वर्गीकरण कार्तीय निर्देश तंत्रों का वर्गीकरण है कि कार्तीय निर्देश तंत्र जो है वो अपने कितने प्रकार के लेते हैं, दो प्रकार के लेते हैं, एक वामावर्ती लेते हैं और दूसरा कौन सा लेते हैं, दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र लेते हैं, ठीक है। जो सामने बना रखा है, जो पहले बना हुआ वो वामावर्ती है, जो बाद में बना हुआ कौन सा है, दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र है, ठीक है। ये निर्देश तंत्र आप लोग जानते हो, जो सामान्य आप लोग निर्देश तंत्र काम में लेते हो वो इस प्रकार का जो निर्देश तंत्र है, दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र जो है इसे आप लोग जो है वो क्या करते हो, सबसे ज़्यादा काम में लेते हो। तो ऐसा डायग्राम आप लोगों ने बहुत बार बनाया है। इसके अंदर देखिए, अगर आप लोग इस लाइन को आगे बढ़ाते हो तो आपको पता है ये एक्स डैश होता है, इस लाइन को अगर आप लोग पीछे बढ़ाते हो तो ये वाई डैश होता है, और इस लाइन को अगर आप लोग पीछे बढ़ाते हो तो ये क्या होता है, जेड डैश होता है। इसे आप लोग वाई एक्स बोलोगे, इसे आप लोग एक्स एक्स बोलते हो, और इसे आप लोग क्या करते हो, जेड एक्स बोलते हो, ठीक है। फिर से बनाता हूँ, देखिए ये तो आपको पता ही है, ये अपने काम में नहीं लेते हैं। इसके अंदर x जो है इस साइड की बजाय अपने क्या करते हैं, इस साइड रखते हैं, तो ये कौन सा बन जाता है आपका, वामावर्ती निर्देश तंत्र बन जाता है। दक्षिणावर्ती देखिए, तो सबसे ज़्यादा अपने दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र को ही काम में लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र होता है इसके अंदर कुछ तीन अक्ष होते हैं आपके पास में, एक्स इस साइड वाले को बोलते हैं एक्स एक्स, और इस साइड को क्या बोलते हैं, वाई एक्स, और ये जो साइड है इसे क्या बोला जाता है, जेड एक्स बोला जाता है। और इनका जो कटान बिंदु होता है वो क्या होता है, मूल बिंदु ओ होता है, ठीक है। और इसके निर्देशांक की अगर अपने बात करें तो इसके निर्देशांक अपने 0 0 लिखते हैं, ठीक है। और अगर इस दिशा की बात करें अपनी, अगर इस दिशा की बात करें तो आपको पता है ये जो साइड है ये माइनस की साइड होती है, और ये जो है ये नीचे की ओर अगर आप लोग बढ़ा दो तो ये y डैश बनता है माइनस का, और इसे अगर आप लोग इस साइड बढ़ा देते हो ये किसका बनता है, z का बनता है। और तीनों x, y और z, ये x, ये y और ये z, ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यानी कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर क्या होता है, तीन x होते हैं, x, y और z, तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, और ये जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु O बोला जाता है, ठीक है। और इस मूल बिंदु के सापेक्ष कण की स्थिति को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार का जो निर्देश तंत्र है वो क्या कहलाता है, दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र कहलाता है, ठीक है। अब देखिए एक आता है अपने पास में विराम अवस्था, और एक आती है अपने पास में गतिशील अवस्था। यानी इसके अंदर अपने बता रखा है कि एक विराम और एक गति, एक तो अपने बोलेंगे विराम और एक बोलेंगे अपनी गति, विराम एवं गति की संकल्पना, विराम एवं गति की संकल्पना है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने विरामावस्था की, किसकी बात कर लेते हैं, विरामावस्था की बात कर लेते हैं कि विरामावस्था किसे कहा जाएगा, या आप लोग बोल सकते हो कि विराम वस्तु किसे कहा जाएगा, यानी कौन सी अवस्था के अंदर आपकी जो है वो विराम अवस्था होगी, वस्तु जो है कौन सी अवस्था के अंदर विराम अवस्था कहलाती है। तो देखिए इसके अंदर अगर किसी वस्तु या पिंड की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता है, यानी समय के सापेक्ष आपके पास में जो वस्तु या पिंड है अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, वो विराम अवस्था में है, यानी रुकी हुई अवस्था में, यानी जैसे जैसे समय बदल रहा है उसकी स्थिति में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है,
यानी समय के सापेक्ष अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो उस वस्तु की अवस्था क्या कहलाती है, विराम अवस्था कहलाती है। और गतिशील अवस्था का क्या मतलब होता है, गतिशील अवस्था का मतलब होता है कि अगर समय के सापेक्ष पिंड की स्थिति में क्या हो, परिवर्तन हो। जैसे जैसे समय बदले आपका जो पिंड है उसकी अवस्था में अगर क्या हो, परिवर्तन हो, तो वो कौन सी अवस्था कहलाएगी, उसकी गतिशील अवस्था कहलाएगी। ये परिवर्तन जो है हमेशा किसी न किसी के सापेक्ष होता है, यानी जैसे ये एक वस्तु है और इसके सापेक्ष अगर दूसरी वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है, तो एक वस्तु दूसरी के सापेक्ष अगर क्या कर रही हो, गति कर रही हो, तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है, वो गतिशील अवस्था कहलाती है। और अगर रुकी हुई हो तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है, वो विराम अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो ये अपने पास में विराम एवं गति की संकल्पनाएँ हैं। अब आगे अपने बात करते हैं निर्देश तंत्रों के अलावा अपने जो गतियाँ हैं इनके प्रकार की अपने बात कर लेते हैं कि गति जो है वो कितने प्रकार की अपने इसके अंदर देखेंगे। तो अपना जो टॉपिक है वो है गतियों के प्रकार, अपना टॉपिक है गतियों के प्रकार। ठीक है, गतियों के प्रकार ये अपना टॉपिक है। और इसके अंदर सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है वो आता है विमीय आधार पर, विमीय आधार पर। और उसके बाद में अपने कण की प्रकृति के आधार पर गति देखेंगे कि गति कितनी प्रकार होती है। तो ये जो अपने पहला प्रकार देख रहे हैं ये किसके आधार पर है, अपना पहला प्रकार विमाओं के आधार पर है। विमीय आधार पर गति जो है वो कितने प्रकार की होती है। विमीय का मतलब अपने आपको MLT नहीं समझना है, विमीय का मतलब होता है कितनी दिशाओं के अंदर ये गति हो रही है, कौन कौन सी विमा बदल रही है, XY और Z जो है। ठीक है, विमा का मतलब यहाँ आपको दिशा से लगाना है। ठीक है, तो एक तो होती है आपके पास में जो सबसे पहली होती है वो होती है एक विमीय गति। कौन सी गति, एक विमीय गति। और दूसरी होती है द्वि विमीय गति। और तीसरी होती है त्रि विमीय गति। तो विमा के आधार पर अगर गतियों के प्रकार देखा जाए तो विमा के आधार पर अपने गतियां तीन प्रकार की, जो सबसे पहली गति है वो एक विमीय, दूसरी द्वि विमीय और तीसरी जो गति है वो किस प्रकार की है, वो त्रिविमीय गति है। तो सबसे पहले अपने इसके अंदर देखते हैं एक विमीय गति, जो सबसे पहले अपने देख रहे हैं वो है एक विमीय गति। देखिए एक विमीय गति का क्या मतलब है, एक विमीय गति का मतलब होता है अगर कोई पिंड किसी सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहा है, यानी कोई पिंड इस प्रकार से गति कर रहा है कि उसकी गति जो है वो एक ही दिशा के अंदर हो, यानी गति जो है वो किस दिशा के अंदर हो, सिर्फ एक ही दिशा के अंदर हो। या आप लोग बोल सकते हो अगर कोई पिंड एक सरल रेखा के अनुदिश क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो वो किस प्रकार की गति कहलाती है, एक विमीय गति कहलाती है। यानी इसके अंदर जो पिंड गति कर रहा है वो कौन सी दिशा के अंदर गति कर रहा है, वो सिर्फ एक दिशा के अंदर गति कर रहा है, एक सरल रेखा के अनुदिश क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अगर कोई पिंड एक सरल रेखा के अनुदिश गति करता है, किसके अनुदिश गति करता है, एक सरल रेखा के अनुदिश गति करता है, तो इस प्रकार की गति को क्या बोला जाता है, एक विमीय गति कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर आप लोग मान सकते हो जैसे किसी रस्सी वगैरह पर अगर कोई चींटी वगैरह चल रही है तो वो किस प्रकार की गति मानी जाएगी, वो एक विमीय गति जो है वो मानी जाएगी। दूसरा अपने इसके अंदर आता है द्वि विमीय गति, दूसरा अपने पास में आता है द्वि विमीय गति। ठीक है, द्वि विमीय गति का क्या मतलब होता है, अगर कोई पिंड, देखो या तो पिंड किसके अनुदिश गति कर रहा था, सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहा था। द्वि विमीय गति के अंदर आप लोग बोलोगे अगर पिंड की गति एक तल के अनुदिश हो रही हो, या एक तल में हो रही हो, या एक तल में गति हो रही हो, या पिंड जो है एक समतल में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो वो कौन सी गति कहलाती है, द्वि विमीय गति कहलाती है। यानी दो दिशाओं के अंदर क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता है। आप लोग बोल सकते हो कि अगर कोई पिंड एक तल के अनुदिश या किसी एक तल में गति कर रहा है तो वो किस प्रकार की गति कहलाती है, वो द्वि विमीय गति कहलाती है। ठीक है, इस गति के अंदर क्या होता है, इस गति के अंदर दो निर्देशांकों में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये जो गति है इसके अंदर कितने निर्देशांकों में परिवर्तन होता है, दो निर्देशांक जो होते हैं उसमें परिवर्तन होता है, दो निर्देशांकों में परिवर्तन होता है। और ये जो गति थी इसमें कितने निर्देशांकों में परिवर्तन होता है, इसमें तीन निर्देशांक जो है उनमें
प्रियवर्तन होता है, ठीक है। इसके अंदर आप लोग मान सकते हो कि किसी वर्ताकार पथ के अनुदिश गति करता हुआ पिंड आप लोग मान सकते हो। दूसरा आप लोग इसके अंदर क्या मान सकते हो, जो प्रक्षेपे के पथ को आप लोग किस प्रकार की गति मान सकते हो, द्विविमीय गति मान सकते हो। और तीसरा इसके अंदर क्या आ जाता है, तीसरा इसके अंदर आ जाता है त्रिविमीय गति। अगर कोई पिंड आकाश के अनुदिश गति करता है, या कोई पिंड जो है उसकी गति किसके अंदर हो, अगर आकाश के अंदर हो, ठीक है, कोई पिंड है उसकी गति किस में हो, आकाश में हो, तो जिन पिंडों की गति आकाश में होती है कौन सी गति होती है, वो त्रिविमीय गति होती है। इसके अंदर कितने निर्देशांकों में परिवर्तन होता है, तो इसके अंदर तीन निर्देशांकों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। त्रिविमीय गति में कितने निर्देशांकों में परिवर्तन होता है, तीन निर्देशांकों में परिवर्तन होता है। द्विविमीय गति में कितने निर्देशांकों में परिवर्तन होता है, दो निर्देशांकों में। एकविमीय गति में एक निर्देशांक में परिवर्तन होता है, ठीक है। त्रिविमीय गति के अंदर कितने निर्देशांक बदलते हैं, तीन निर्देशांक बदलते हैं। कौन सी गति होती है, आकाश में जो गति होती है वो सभी कौन सी आती है, त्रिविमीय गति आती है, ठीक है। इसके अंदर आप लोग क्या बोल सकते हो, आप लोग इसके अंदर ये बोल सकते हो, जैसे अगर एग्जांपल दो आप लोग इसका, तो पक्षी जो उड़ते हैं पक्षियों की गति आप लोग क्या मान सकते हो, पक्षी जो उड़ रहे हैं उनकी गति किस प्रकार की गति है, उनकी गति त्रिविमीय गति आप लोग मान सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप लोग गैस के अणुओं की गति को बोल सकते हो, गैस के अणु जो अनियमित गति करते हैं, गैस के अणुओं की अनियमित गति जो है वो किसके अंदर आ जाती है, वो त्रिविमीय गति के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये आपकी तीन प्रकार की गति थी, एकविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, ठीक है। फिर से बताता हूँ, एकविमीय गति किसके अंदर होती है, सरल रेखा के अनुदिश गति होती है, यानी जो सरल रेखा के अनुदिश गति होती है एकविमीय गति कहलाती है, जो एक तल के अनुदिश या तल में गति होती है द्विविमीय गति कहलाती है, जो एक आकाश में गति होती है त्रिविमीय गति कहलाती है, ठीक है। इसमें एक निर्देशांक, इसमें दो, और त्रिविमीय में तीन निर्देशांक बदलते हैं। एकविमीय गति के उदाहरण की अगर बात करें, तो एक रस्सी के ऊपर जो चींटी गति करती है उसकी गति को आप लोग क्या मान सकते हो, उसकी गति को आप लोग एकविमीय गति मान सकते हो, और जो प्रक्षेप्य होता है उसकी गति द्विविमीय, और जो पक्षी उड़ता है या जो गैस किरण है उनकी गति को आप लोग क्या मान सकते हो, उसकी गति को आप लोग त्रिविमीय मान सकते हो। तो ये विमाओं के आधार पर क्या आ जाता है, गतियों के प्रकार आ जाते हैं। इसके अलावा कण की प्रकृति के आधार पर भी अपने गतियों के प्रकार होते हैं। तो अगला जो अपना प्रकार है वो है कण की गति की प्रकृति के आधार पर गतियों के प्रकार, ठीक है। अगला इसके अंदर आ जाता है विमा के आधार पर अपने पढ़ा है। अब आपके पास में जो प्रकार आता है वो आता है कण की गति की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर एक तो आ जाती है इसके अंदर स्थानांतरीय गति, स्थानांतरीय गति। एक आ जाती है इसके अंदर आप लोग बोल सकते हो तो दोलन गति है, वो इसी में आ जाएगी। और तीसरा जो है इसके अंदर आप लोग कंपन गति जो है उसे इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की गतियाँ आपके पास में आ जाती है। एक आ जाती है इसके अंदर स्थानांतरण गति, एक आ जाती है इसके अंदर ये घूर्णन गति आएगी इसमें, घूर्णन गति। तो एक तो आ जाती है स्थानांतरण गति, एक आ जाती है घूर्णन गति, और एक आ जाती है कंपन गति, और इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी को अपने बोलते हैं दोलन गति, ठीक है। तो ये आप लोग बोल सकते हो स्थानांतरण गति, घूर्णन गति, और तीसरा जो आपका गति है इसके अंदर दोलन या कंपन गति आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपने स्थानांतरण गति देख लेते हैं कि ये गति कौन सी होती है। तो देखिए इसमें तो सबसे पहले अपने इसके अंदर स्थानांतरण गति को देख लेते हैं कि स्थानांतरण गति कौन सी होती है। तो स्थानांतरण गति के अंदर क्या होता है, कण जो होता है वो एक निर्देश तंत्र के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता हो, गति करता हो। यानी कोई कण एक निर्देश तंत्र में क्या करता है, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है तो उसकी गति को अपने क्या बोला जाता है, स्थानांतरणीय गति जो है वो बोला जाता है। यानी इसके अंदर कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, स्थानांतरित होता है, ठीक है। इसके उदाहरण के अंदर आप लोग लिख सकते हो, जैसे एक सीधी सड़क पर चलने वाली गाड़ी जो है उसकी गति को आप लोग क्या लिख सकते हो, इसके अंदर लिख सकते हो। यानी जो सीधी सड़क है, जो सीधी सड़क है उस सीधी सड़क पर जो गति होती है उसे आप लोग क्या कर सकते हो, इस गति के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा अगर आपने देखें तो दूसरा अपने पास में आता है घूर्णन गति, घूर्णन गति।
घूर्णन गति कौन सी होती है? घूर्णन गति किसी एक अक्ष के सापेक्ष क्या होती है? घूर्णन गति होती है। यदि कोई वस्तु किसी एक अक्ष के चारों ओर क्या कर रही हो? गति कर रही हो, किसी एक निश्चित अक्ष के चारों ओर गति कर रही हो या परिक्रमा कर रही हो, तो वो कौन सी गति आती है? इसकी घूर्णन गति आती है। ठीक है, ये एक लाइन है, ये एक ही लाइन है। अगर कोई वस्तु एक निश्चित अक्ष के अनुदिश क्या कर रही हो, चारों ओर गति कर रही हो या परिक्रमा कर रही हो, तो वो कौन सी गति कहलाती है? उसकी घूर्णन गति कहलाती है। इसका उदाहरण आप लोग घूमते हुए लट्टू की गति लिख सकते हो। जो लट्टू है उसे अगर अपने घुमा करके छोड़ दिया जाए तो घूमते हुए लट्टू की गति किस प्रकार की गति होती है? घूर्णन गति होती है। इसके अलावा जो अपने पास में जो पंखा होता है, पंखे की जो ब्लेडें घूम रही है वो क्या कर रही है? एक निश्चित अक्ष के चारों ओर घूम रही है, तो उस गति को भी आप लोग क्या बोल सकते हो? घूर्णन गति बोल सकते हो। ठीक है, और जो लास्ट आपके पास में आती है वो गति आती है दोलन या कंपन गति। ठीक है, तो दोलन या कंपन गति देखिए कौन सी होती है। तो दोलन या कंपन गति कौन सी होती है? दोलन या कंपन गति वह होती है जिसके अंतर्गत अपना पिंड जो है एक निश्चित, जैसे आप लोग ये मान सकते हो कि इसके अंदर अपना कण जो है एक निश्चित पथ के अंदर क्या करता है? अपनी गति को दोहराता है, यानी एक निश्चित रेखा के या एक निश्चित अक्ष के या एक निश्चित दूरी के इर्द गिर्द क्या करता है? इस प्रकार से गति करता है। ठीक है, तो ये जो गति होती है कौन सी गति कहलाती है? कंपन या दोलन गति कहलाती है। ठीक है, यानी इसके अंदर आप लोगों को लिखना है कि अपनी वस्तु जो है वो अपनी मध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करती है? दोलन गति करती है। यानी ये बोल सकते हो आप लोग इसके अंदर मध्य स्थिति के इर्द गिर्द वस्तु क्या करती है? गति करती है। ठीक है, ये कौन सी गति कहलाती है? दोलन गति कहलाती है। एग्जांपल जैसा घड़ी जो होती है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसकी जो गति होती है वो किस प्रकार की गति होती है? वो आपकी दोलन गति होती है। ठीक है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसकी जो गति होती है वो क्या होती है? इसकी दोलन गति होती है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की आपकी गतियाँ, एक स्थानांतरण गति, एक घूर्णन गति, एक दोलन या कंपन गति आप लोग बोल सकते हो। तो जो स्थानांतरण गति है उसके अंदर क्या होता है? जो आपकी स्थानांतरण गति है इसके अंदर किसी एक निर्देश तंत्र के अंदर आपका पिंड जो एक जगह से दूसरी जगह तक क्या होता है? स्थानांतरण होता है। जैसे एक सीधी सड़क पर आप लोग मान सकते हो कि सीधी सड़क के ऊपर जो गति होती है वो कौन सी गति होती है? स्थानांतरण गति होती है। घूर्णन गति एक अक्ष के चारों ओर जो किसी कण की गति होती है वो क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। ठीक है, और ये जो लास्ट में लिखी गई है ये आपके दोलन या कंपन गति लिखी गई है। दोलन या कंपन गति ये क्या होती है? एक मध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति होती है, यानी अपने पास में एक मध्य स्थिति होती है उसी के इर्द गिर्द ये क्या होती है? गति होती है। जैसे ये आप लोग मान सकते हो कि ये मध्य स्थिति है और अपनी वस्तु जो है वो इसी के इर्द गिर्द क्या कर रही है? दोलन कर रही है। तो ये कौन सी गति होगी? इसकी दोलन या कंपन गति होगी। ठीक है, तो ये अपने पास में गतियों के प्रकार थे। देखो ऐसा प्रश्न शायद आपसे ना पूछा जाए कि गति कितने प्रकार की होती है या गतियों के प्रकार लिखिए, क्योंकि इनके बारे में आप लोग आने वाले चैप्टर के अंदर काफ़ी डिटेल से आगे का पार्ट जो है इनका पढ़ने वाले हो, तो यहाँ से प्रश्न बहुत कम बनता है। तो आपका जो नया टॉपिक है वो है दूरी व विस्थापन। जो आपका नया टॉपिक है वो है दूरी व विस्थापन। ठीक है, ये आपका एक नया टॉपिक है। देखिए दूरी और विस्थापन, वैसे तो मैंने आपको जब ये आपको प्लस वन की फिजिक्स शुरुआत करवाई थी उसमें जब मैं आपको विमाही करवा रहा था, मात्रक बता रहा था, उसमें भी मैंने आपको दूरी के बारे में और विस्थापन के बारे में कुछ एक बातें बता दी थी। फिर से देखिए, अपने पास में एक दूरी होती है और एक क्या होता है? विस्थापन होता है। अपने दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, दूरी को अलग पढ़ेंगे, विस्थापन को अलग पढ़ेंगे, पर पहले दोनों के अंदर फर्क देख रहे हैं अपने कि दोनों में फर्क क्या होता है। देखिए दूरी जो है वो एक वास्तविक लंबाई होती है। जैसे ये मान लो ये कोई पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। कोई एक कण पोजीशन ए से कहाँ पहुँच रहा है? पोजीशन बी पर पहुँच रहा है। ए से कहाँ पहुँच रहा है? बी पर पहुँच रहा है, और इस रास्ते से होकर के जा रहा है। वो यहाँ से भी होकर के जा रहा है, यहाँ से भी जा सकता है, या इस जगह से होकर के क्या कर सकता है? जा सकता है। तो इन सभी रास्तों की अगर बात की जाए, तो अपना पिंड जो है वो ए से कहाँ तक पहुँच रहा है? बी तक पहुँच रहा है। इन सभी रास्तों के अंदर अगर अपना पिंड यहाँ से होकर के जा रहा है, अपना पिंड यहाँ से होकर के कहाँ पहुँच रहा है? बी पर पहुँच रहा है। तो दूरी की अगर बात करोगे तो दूरी, ये जो टोटल लंबाई है,
ये टोटल लंबाई क्या होगी इसकी, दूरी होगी। परंतु विस्थापन जो है इन दोनों के मध्य जो सीधी लाइन है, न्यूनतम जो दूरी है वो क्या होगी, यहाँ पर विस्थापन होगी और न्यूनतम दूरी इस लाइन तीन के अनुदिश है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका पिंड जो है दो नंबर रास्ते से होकर के जा रहा है तो दूरी तो ये दो नंबर जो आपका पथ है इसकी लंबाई आ जाएगी, परंतु विस्थापन फिर से ये जो तीन नंबर पथ सामने बना हुआ है इसकी लंबाई आएगी। इसी प्रकार जब यहाँ से होकर के चार नंबर पथ से आपका पिंड गुजरेगा तो दूरी तो चार नंबर जो आपका पथ है इसकी लंबाई आ जाएगी, परंतु विस्थापन ए और बी के बीच की सीधी दूरी आएगी। इसी प्रकार ए से बी तक अगर पाँच नंबर रास्ते से होकर के कण जा रहा है तो दूरी तो पाँच नंबर जो रास्ता है उसकी लंबाई आ जाएगी, परंतु विस्थापन जो है वो ये तीन नंबर पथ जो है ए से बी तक का ये सीधे जो दूरी है वो क्या आएगी, विस्थापन होगी, ठीक है। तो ये दोनों में क्या होता है, फर्क होता है। अब देखिए अपने अलग अलग बात कर लेते हैं दूरी और विस्थापन की। देखिए इसके अंदर तो अपने सबसे पहले इसके अंदर पढ़ लेते हैं दूरी, ठीक है। तो सबसे पहले अपने इसके अंदर क्या करते हैं, दूरी को पढ़ते हैं। दूरी का मतलब देखिए, दूरी का मतलब होता है वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई। वास्तविक लिखा है यहाँ, पथ की वास्तविक जो लंबाई है पथ की जो वास्तविक लंबाई है वो क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है, ठीक है। यानी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को अपने क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। इसके अलावा दूरी का मात्रक अगर देखेंगे तो दूरी का मात्रक क्या आएगा, मीटर आएगा, ठीक है। दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। अगर विमा देखोगे, दूरी की विमा अगर देखें तो दूरी की विमा वही एम जीरो एल वन और टी जीरो, यानी एल की पावर वन आप लोग लिख सकते हो, आप लोग क्या लिख सकते हो, या एल की पावर वन, ये क्या है, दूरी की विमा है, ठीक है। किस प्रकार की राशि है, सदिश है कि अदिश है, तो ये जो दूरी होती है हमेशा किस तरीके की राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। इसके अंदर अपने दिशा का ध्यान नहीं रखते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो दूरी जो है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। तो पथ की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, दूरी की विमा L1 होती है, दूरी अदिश राशि होती है, और दूरी जो है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो ये सारी बातें आपको दूरी के बारे में पता होना ज़रूरी है, ठीक है। और ये मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बता ही दिया है कि अगर आप लोग अलग अलग पथ से जा रहे हो, जैसे यहाँ से जा रहे हो या यहाँ से जा रहे हो, ये सभी, तो ये जो आपके पास में पथों की लंबाई है, जैसे ये लंबाई मान लिया S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, ये S5 है, A और B के बीच की, तो यहाँ अगर दूरियों की बात करेंगे तो ये सभी दूरियाँ S1, S2, S1, S2, S3, S4, S5 या कोई और पथ होते हैं तो वो सभी क्या होती, दूरियाँ होती, ठीक है। तो दूरी जो है वो हमेशा क्या होती है, वास्तविक पथ की लंबाई होती है। जिस पथ के अनुदिश अपना पिंड गति करता है उस पथ की लंबाई क्या कहलाती है, उस पथ की लंबाई कहलाती है दूरी, ठीक है। अब बात करते हैं विस्थापन की। तो देखिए विस्थापन का मतलब होता है कि आपका जो पथ है उसकी न्यूनतम लंबाई, पथ की जो न्यूनतम लंबाई है, यानी जो प्रारंभिक बिंदु है जो अंतिम बिंदु है उन दोनों के मध्य जो सीधी दूरी होती है उसी को अपने क्या कहते हैं, उसी को अपने विस्थापन कहते हैं। या दिशा के साथ में अगर आप लोग दूरी को देखोगे तो वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए विस्थापन, विस्थापन, ठीक है। विस्थापन का मतलब क्या है, जो आपका प्रारंभिक बिंदु है और जो अंतिम बिंदु है उन दोनों के मध्य जो सीधी दूरी है, या दोनों बिंदुओं के मध्य जो सीधी लंबाई लिख सकते हो आप लोग, सीधी लंबाई, या आप लोग ये भी लिख सकते हो जो न्यूनतम लंबाई है, जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है उन दोनों के मध्य जो न्यूनतम लंबाई है, न्यूनतम लंबाई वो क्या कहलाती है, आपका विस्थापन कहलाती है, ठीक है। जैसे पीछे वाले डायग्राम के अंदर अपने बात की थी, इस प्रकार का जो अपने डायग्राम बनाया था इसके अंदर ये ए और ये क्या हो, बी हो, अलग अलग इसके क्या हो,
पथ हो। ये जो सीधी दूरी आपको सामने दिखाई दे रही है, ये सीधी दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। खास बात क्या है? विस्थापन किस प्रकार की राशि है? विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। आपको क्या ध्यान रखना है कि विस्थापन किस प्रकार की राशि है? एक सदिश राशि है, ठीक है। इसके अलावा